सबसे पहले तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये मेरा 5वां साल है गणपति बैठाते हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं हर साल बड़े धूमधाम से एक एक छोटी चीज़ अपने हाथों से बनाती हूँ। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, हर साल दोनों टाइम मैं प्रसाद अपने हाथों से बनाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बप्पा को खुश कर सकूँ, हालाँकि वो खुश हैं तभी मैं उनके कृपा से सक्सेस मिला है, मुझे बॉलीवुड में काम मिला है। मतलब आप बेसिकली यहाँ के नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, और महाराष्ट्र में गणपति जी का महोत्सव मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप छत्तीसगढ़ की हैं, वहाँ पे इस तरह का तरीके से नहीं मनाया जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं मनाया जाता है कि लोग घरों में रखते हैं, यहाँ पे ये चलन है जी। तो ऐसा क्या चीज़ आपको टच की जो आपने रखना चालू किया, या बप्पा की क्या आपने विश मांगी जो पूरी हो गई, और आप वैसे भी एक बॉलीवुड का फेम है,
तो इसको किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ में क्या इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ बताइए, कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो पापा ने आपको सौंपी हो या दी हो। मैं बस पापा ने मुझे यहाँ बुलाया और महाराष्ट्र में मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, सक्सेस हो पाई हूँ, बस इसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरा ड्रीम पूरा हुआ यहाँ आके, और श्री सिद्धिविनायक जी का यहाँ पे बहुत मान्यता है, बस इन्होंने अपनाया है यहाँ पे, बस मुझे उन्हीं की बहुत खुशी है। कितने दिन के लिए रहा है आप? मैंने पूरे 11 दिन का बैठाती हूँ, हर साल मैं पूरे 11 दिन का बैठाती हूँ। इस बार क्या मांगा पप्पा, तो क्या स्पेशली कुछ मांगा? विश तो नहीं बताते हैं, क्योंकि विश बताते हैं तो पूरा नहीं होता है, तो जब पूरा हो जाएगा तो ज़रूर बताऊँगा। मांगा तो लेकिन कुछ बड़ा है। हाँ, इस बार कुछ स्पेशल है आपके लिए, आपकी माता जी? इस बार पप्पा जी आए वो तो स्पेशल है, उससे भी ज़्यादा एक स्पेशल बात है जो मेरी मॉम इस टाइम पे मेरे साथ हैं, जो मैं बहुत सालों से मॉम को बोल रही थी मम्मा आओ मैं अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, आप भी ज्वाइन करो, बट इस साल वो आ पाई हैं। आंटी आपकी बेटी माशाल्लाह से काफ़ी मतलब बॉलीवुड में अच्छा काम कर रही है, अच्छा नाम है, काफ़ी वर्क किया, तो कितनी सपोर्ट है फैमिली की? फर्स्ट बहुत ज़रूरी होती है सपोर्ट, अगर एक बच्चे की सक्सेस में फैमिली का, माँ का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपका कितना योगदान है और आप कितना सेटिस्फाई हैं इनके वर्क से और इनके काम से? देखिए योगदान तो मैं कुछ खास नहीं कह सकती हूँ, योगदान की बात कहें तो उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ हमने उसको ऐसी शिक्षा दी कि वो बहुत टैलेंटेड है और वो कोशिश करती है, तो उसके टैलेंट को देखते हुए, उसकी इच्छा को और उसके रुझान को देखते हुए हमने इसको सहमति दी और वो बहुत सक्सेस। बचपन का शौक था एक्ट्रेस बनने का या बाद में बड़ियों के जी नहीं पिक्चर देख के शौक था? जी नहीं वो बचपन से उसको डॉक्टर का बनने का शौक था। हाँ। जी डॉक्टर बनने का शौक था, पर जैसे जैसे बड़े हुए लुक्स बहुत अच्छे थे, स्मार्ट, मैंने उसको उसका सब देख के बोलते थे आपको तो कहीं और होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट हुआ तो उसका रुझान देखते हुए, उसकी इच्छा देखते हुए, तो हमने फिर सहमति दी, और वैसे हमें हम लोग का आशीर्वाद और साया तो हमेशा उसके साथ में रहेगा और हमेशा रहेगा, और हमेशा शुरू से रहा भी है, सपोर्ट तो हमेशा रहा है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो ये हो जरूरी है। तो ये छत्तीसगढ़ में गणपति जी इस तरह से घरों में तो नहीं रखे जाते, ये आपकी बेटी ने यहाँ पे रखा, तो आपका कितना योग था, कितना सपोर्ट, आप देख रही हैं कितना सजा के रखा पूरा मंदिर। जी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो उसने देखा सीखा और जो उसके अंदर था वो उसमें दिखता है, और उसने छोटी छोटी सी चीज़ें अपने हाथों से बनाए, इवन उसने कारपेंटर का भी काम किया, और जब विधि विधान की पूजा होती है अच्छे से दोनों टाइम भोग बनाना, वो सब उसने किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक तो बेटी की सक्सेस के लिए भी, और प्लस ये गणपति जी के उत्सव में मैं शामिल हो पाई, और यहाँ महाराष्ट्र का तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, महाराष्ट्र खूबसूरत है, उसकी जो मुंबई नगरी है सबके लिए सपनों की दुनिया है, सपनों की नगरी है और बहुत खूबसूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे, फैमिली पूरी आई है, सेलिब्रेट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो कितना कितना हैप्पी फील कर रही है? हैप्पी तो बहुत फील कर रही हूँ, बट अंदर से मैं ये फील कर रही हूँ इस साल ना मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर मेरा जो मैंने मांगा है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मेरी मॉम मेरे साथ है। अभी बेसिकली और क्या चल रहा है बॉलीवुड में, कुछ बताएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है अभी? अभी मैंने साउथ में कुछ काम किए हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, तो साउथ में एंट्री कर रही हूँ। किसी बड़े स्टार कास्ट के साथ में नजर आने वाली है? वेट एंड वॉच, यू हैव टू वेट। कुछ तो क्लू दीजिए। नहीं मैं बोलूँगी यू हैव टू वेट एंड वॉच। और बॉलीवुड में कुछ अभी रिसेंटली कुछ आने वाला है? हाँ एक आसमान भारद्वाज के फिल्म में मैंने काम किया है, तो वो एक फिल्म आने वाली है अपकमिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर आपसे बात की जाए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड का एक्टर है जिसके साथ में आपकी ख्वाहिश है काम करने की, कोई एक नाम अगर चूज करना है, आज गणपति जी भी आपके सामने रखे हुए हैं, वो क्या पता विश पूरी हो जाए। मैं ना सच बताऊँ तो मैं लेजेंड तो अमिताभ बच्चन सर को मानती हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ। आइडियल कौन है? स्पेसिफिक कोई आइडल नहीं है, मैं सबकी क्वालिटीज़ फॉलो करती हूँ, जिसकी जो सब में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में कुछ कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको निभाने का मौका मिला, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप जिस
के ऊपर करना चाहेंगी, बायोपिक हो या कुछ भी, बायोपिक का बहुत दौर चल रहा है, तो उसके कोई ऐसा कैरेक्टर है जहन में या कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहें? मैं झांसी की रानी करना चाहूँगी, जो कंगना जी ने किया है, बट मैं फिर से करना चाहूँगी। दूसरी झांसी की रानी? हाँ, टू, झांसी की रानी टू विद मधुमिता। ओके, चलते चलते फैंस को क्या कहना चाहेंगे आपको, किस तरह से इतना प्यार देते हैं, और अपील करिए कि और प्यार दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, शुभकामनाएं देंगे? सबसे सभी को मैं ऑल द बेस्ट, मे बप्पा ब्लेस यू एवरीवन, एंड बस इसी तरह से प्यार करते रहिए, मुझे सराहते रहिए, बस मैं आपको अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।